Hi kids, hello everyone, ki hal chaal and welcome to an Academy Neet Topper channel. This is your favorite G-Square. सबसे पहले तो बहुत बहुत माफ़ी कि आज ये सेशन हमारा लाइव नहीं हो पाया क्योंकि मैं इस टाइम पे शायद बैंगलोर में होंगी, उस टाइम पे मैं बैंगलोर में होंगी तो मैं ले नहीं पाऊंगी. माइट बी आई मस्ट बी ट्रैवलिंग, तो इसलिए ये सेशन मैं आपके लिए रिकॉर्डेड बना के जा रही हूँ. बट इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे PYQs आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के. और मैं आशा करती हूँ कि आपने असर्शन रीजन का पूरा सेशन मिनरल न्यूट्रिशन का देख लिया होगा, 10 questions होमवर्क के कर लिए होंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको देती हूँ. और अब हम उसका PYQs करने वाले हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि कोई भी शक की गुंजाइश ना बचे. राइट मेरे बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट. पूरे जोश और ऊर्जा के साथ इस पूरे सेशन को शुरू करते हैं क्योंकि इस बार हमारी फ्रिक्वेंसी रुकनी नहीं चाहिए, है ना मेरे बच्चों. तो जोश कैसा है जरूर बताना मुझे चैट बॉक्स में. तो चलिए आइए मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं. टाइम हमारा हो चुका है. पहला सवाल जो कि पूछा गया था नीट के पेपर में वो इस तरीके से था कुछ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ एल्नस. तो सबसे मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, एल्नस जो है हमारा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है. कैसे बच्चों, हमारा नॉन लेग्यूमिनस है, ठीक है. लेग्यूमिनस वो होते हैं जैसे हमारी दालें हो गई, नॉन लेग्यूमिनस है. और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है उसका नाम फ्रैंकिया होता है. क्या नाम होता है उसका? फ्रैंकिया नाम होता है. तो इसलिए आंसर तो इसका थर्ड ऑप्शन है. बट इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मान लो यहाँ पे हमें लेग्यूमिनस प्लांट दिया हुआ है, जैसे पी प्लांट हो गया हमारा, जैसे हमें लेग्यूमिनस प्लांट दिया हुआ है उसका एग्जांपल हमारा पी प्लांट हो सकता है. उसके केस में नाइट्रोजन फिक्सेशन हमेशा कौन करता है? हमारा राइजोबियम करता है. कौन करता है? हमारा राइजोबियम करता है. तो ये चीज हमें याद रखनी है. अगर नॉन लेग्यूमिनस दिया है तो मेरा आंसर फ्रैंकिया जाएगा, अगर लेग्यूमिनस का एग्जांपल दिया है तब मेरा आंसर राइजोबियम जाएगा. तो अगर ये चीज हमें बहुत क्लियर कट पता है तो हमारे नंबर हाथ से कभी नहीं जाएंगे. राइट मेरे बच्चों, तो प्लस 4 आपके हो ही गए हैं. नाउ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. Which one of the following process is responsible for the release of nitrogen in the atmosphere? अभी तक हम नाइट्रोजन को फिक्स करने की बात करते हैं. हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, फिक्स कर सकते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी करते हैं, नाइट्राइट्स की फॉर्म में भी करते हैं. बट यहाँ पे सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो उल्टा काम करेगी, निट्रिफिकेशन की जगह डीनिट्रिफिकेशन करेगी. तो उस प्रोसेस का नाम क्या बच्चों? उस प्रोसेस का नाम है डीनिट्रिफिकेशन. और ये जो डीनिट्रिफिकेशन है इसमें हम नाइट्रेट नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में बदल देते हैं और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है. तो ये हमारे लिए हानिकारक बात है कि भाई हम यहाँ नाइट्रोजन फिक्स करने चले थे बट वो नाइट्रोजन फिर हमारे हाथ से उड़ती चली गई, ठीक है बच्चों. तो ये जो प्रोसेस है डीनिट्रिफिकेशन है. और ये जो डीनिट्रिफिकेशन, ये जो बदतमीजी का काम करता है, ये कौन करता है? थियोबैसिलस करता है. थियोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास करते हैं. कौन करते हैं? थियोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास ये काम करते हैं, ठीक है बच्चों. अब आगे चलते हैं. ये हमारे दोनों आंसर सही आ ही गए हैं तो इसलिए प्लस 8 हमारे बन गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसको जरा अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट, अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें जिनकी क्वांटिटी हमें प्लांट्स को ज्यादा चाहिए होती है, हमारे प्लांट्स को, उसकी ट्रिक क्या है? चिप मॉन्ग्स कैफे, कैफे जहां से आयरन से हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट शुरू हो जाते हैं, ये हमारी ट्रिक है. तो अब ये सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जोड़े ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वुड हेल्प इन द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस टू हेल्प इन द रिएक्शन लीडिंग टू ऑक्सीजन एवोल्यूशन. तो जब हम पानी को तोड़ते हैं, पानी को तोड़ के हमें मिलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 4H+ मिलते हैं, हमें मिलता है O2 और हमें मिलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन. तो ये 4H+ तो हमारे ल्यूमेन और थैलाकोइड में रह जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे चले जाते हैं फोटोसिस्टम 2 के पास
और जो ऑक्सीजन है ये कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरह के रिएक्शन को जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है, इस तरह के रिएक्शन को हम फोटोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इस तरह के रिएक्शन को हम फोटोलिसिस बोलते हैं। और इस फोटोलिसिस रिएक्शन के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो जोड़े हैं जो हमें चाहिए चाहिए, वो है हमारा एक मैंगनीज और दूसरा हमारा क्लोराइड। तो यानी कि आंसर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनता हुआ, ये ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर बनता हुआ, राइट मेरे बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेस एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट इज और आर। तो ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है मोनी, यानी कि इस एंजाइम को काम करने के लिए को फैक्टर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है मोलिब्डेनम, ठीक है। और ये जो एंजाइम है ये ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम होता है, यानी कि अगर ऑक्सीजन होगी तो ये काम नहीं करेगा, यानी कि इसे एनरोबिक कंडीशन में काम करना पसंद है। किस कंडीशन में काम करना पसंद है, एनरोबिक कंडीशन में काम करना पसंद है। और ऑक्सीजन जो इसे छीन लेता है उसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। तो ये जो पिगमेंट है ये ऑक्सीजन को हटाता रहेगा जिससे कि मोनी जो है अपना काम करता रहेगा, ठीक है। ये जो मोनी है ये क्या कर रहा है, ये हमको NH3 टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 बना के देता है फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और इसी के साथ मुझे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों, सॉरी अमोनिया एंड हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं। तो यानी कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाता है। इस रिएक्शन में जो एक कन्वर्जन का रिएक्शन है इसमें मुझे 16 ATP भी खर्च करनी पड़ती है, यानी कि हाईली एनर्जी रिक्वायर्ड ये एक रिएक्शन है जहां पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें बच्चे वो ढूंढते हैं कि भाई एक से मेरा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि भाई क्या क्या किस किस के काम है, ठीक है। तो अगर मैं कैटलेज एंजाइम की बात करूं तो कैटलेज के लिए मुझे हीम ग्रुप चाहिए, हीम ग्रुप इज आयरन। तो ये मेरा डी का आंसर वन, ये देखो शॉर्टकट मैंने भी शॉर्टकट ले लिया तुम लोगों की तरह ही यार। मैंगनीज अभी हमने पढ़ा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में यूज होता है, देखो ये हो गया आंसर, ठीक है। मैग्नीशियम हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए यूज होता है। बोरोन इज यूज फॉर पोलन जर्मिनेशन, मैंने आपको बताया था द ट्रिक टू रिमेम्बर, जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता पोलन को बोलन पढ़ लो, बी रेफर्स टू बोरोन, यानी कि पोलन जर्मिनेशन, यानी कि बोरोन यूज हो रहा है पोलन जर्मिनेशन के लिए। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर सही बनता हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन मैच द फॉलोइंग, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा मैच द फॉलोइंग हमेशा अधिकतर आते हैं। तो पोरिंस, पोरिंस वो चैनल्स है जो पानी के मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जिन्हें हम एक्वा पोरिंस कहते हैं। ये वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि ए का फोर ये वाला ऑप्शन मेरा सही बनता हुआ। चलो बाकी भी चेक कर लेते हैं। लेग हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था पिंक कलर का पिगमेंट है जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन स्कवेंजर की तरह काम करता है। तो ये हो गया इसका आंसर। H plus accumulation, अभी मैंने केमियोस्मोटिक थ्योरी में आपको समझाया था कि ल्यूमेन ऑफ थायलाकॉइड में होता है, जहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो एक प्रोटोन ग्रेडियंट बनेगा जिससे ATP बनना शुरू होगा, ठीक है। फिर आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे, जहां पे फैट को भी मेटाबोलाइज करके एनर्जी निकाली जा सकती है, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करके भी एनर्जी निकाली जा सकती है, और कार्बोहाइड्रेट्स को भी मेटाबोलाइज करके एनर्जी निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे हो गया हमारा आंसर नंबर 2। क्या हो गया बच्चों, आंसर नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, नाइट्रोकोकस। मैं आपको बता दूं हम सोते हैं अपनी बैक पर, ये हमारी ट्रिक टू रिमेंबर है, यानी कि नाइट्रेट हमें बना, नाइट्रोजन से हम नाइट्राइड बना रहे, नाइट्राइड से हम नाइट्रेट बना रहे, पहले हम नाइट्रोबैक्टर यूज कर रहे हैं, फिर हम नाइट्रोजोमनास यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं इधर, हम नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर, देन वी हैव थियोबैसिलस, ये वाला सी का फर्स्ट, ये देखिए यहां से मेरे को पता है कि अब मेरा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता। अब बस मुझे बस चेक करना है कि ये सब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। राइजोबियम का काम क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, बी का 4, ठीक है। और ए का कोकस, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइड टू नाइट्रेट, फिर नाइट्रेट टू नाइट्रोबैक्टर, अमोनिया टू नाइट्राइड। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 बनता हुआ करेक्ट ऑप्शन। आसानी से हो गया ना बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ रहे फिर से एक और मैच द फॉलोइंग, यानी कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका मैच द फॉलोइंग, राइट मेरे बच्चों।
चलिए आइए देखते हैं। आयरन, आयरन इज यूज फॉर, देखो पॉलन जर्मिनेशन आ गया, बोरॉन ढूंढो, सी का टू, ये तो भाई धोखा हो गया, धोखा धोखा धोखा, ठीक है ये धोखा हो गया। मैग्नीशियम, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, डी का वन, धोखा धोखा धोखा, ठीक है। आयरन रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, ए का थ्री, ठीक है। एंड जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सिन बायोसिंथेसिस, आई ए ए इज ऑक्सिन। तो यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर थ्री सही आंसर बनता हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम आराम आराम से निकाल सकते, खैर और स्पीडीली निकालोगे मुझे आप पे पूरा भरोसा है। चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। थियोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्प इन कैरिंग आउट डीनिट्रिफिकेशन, या भी हमने पढ़ा स्यूडोमोनास एंड थियोबैसिलस का काम होता है जो भी हमारा नाइट्रेट नाइट्राइट है उसे वापिस से नाइट्रोजन बना के हवा में उड़ा देने का। तो ये आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन। नाइट्रेट, नाइट्रेट से वापस से हम क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन बना रहे हैं, और ये जो डीनिट्रिफिकेशन है कौन करता है, थियोबैसिलस करता है। घूम फिर के वही सवाल आ रहे हैं बच्चों, अगर अच्छे से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो नीट में इस साल भी यही सवाल आने हैं, क्या कहते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर, अगर हम टर्गर प्रेशर की बात करें, ऑस्मोटिक बैलेंस की बात करें, तो हमें एक ही आयन या एक एलिमेंट याद आता है, दैट इज पोटेशियम। अगर पोटेशियम है तो बनेगा पोटेशियम मेलेट, ये पोटेशियम मेलेट कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा वैक्यूल में, और वैक्यूल में जाने से क्या होगा बच्चों, इसकी क्या होगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, सॉल्ट बढ़ता तो पानी को अपनी तरफ लेकर आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा गार्ड सेल में, एंडोऑस्मोसिस इन गार्ड सेल, और ये एंडोस्मोसिस के कारण सेल का टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्टोमेटा ओपन कर जाएगा। तो इस तरीके से जो पोटेशियम है, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, टर्गर प्रेशर ऑफ अ प्लांट सेल, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर नंबर 3 हो गया। नाउ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, बड़ा ही सीधा 2019 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आंसर सीधा एनसीईआरटी से निकाला हुआ है, आंसर है फेरिक, क्या है आंसर, फेरिक आयन, ठीक है। तो यहां पे ये फेरिक की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है इन केस ऑफ प्लांट्स, तो यहां पे हो गया आंसर नंबर 1। कोई टफ लग रहा है, नहीं लग रहा ना टफ, आसान है, बहुत आसान है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द एसेंशियल, व्हिच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप, ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है। इसका आंसर बच्चे जिंक लिखते हैं क्योंकि जिंक से ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन से रूट टिप ग्रो करती है, बट यहां आंसर जो पीवाईक्यू में एनटीए ने दिया था वो था कैल्शियम, तो हम भी वही लिखेंगे आंसर कैल्शियम, क्योंकि एनटीए ने बोला था एंड दिस वाज द राइट आंसर आल्सो, ठीक है। द ऑक्सीजन इवॉल्व, फिर से ऑक्सीजन इवॉल्व आ रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि रिएक्शन, कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोलिसिस, कौन से रिएक्शन की बात करें हम, फोटोलिसिस। कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, मैंगनीज एंड क्लोराइड, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट होता हुआ, यानी कि कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है पीवाईक्यूज क्वेश्चन के रिपीट होने की। अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो मान के चलिए 70% पेपर आप नीट का पढ़ के चल रहे हैं, ऑलरेडी तैयार करके चल रहे हैं अपना। नेक्स्ट, मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड, कौन कौन से जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। लार्ज अमाउंट का मतलब है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट से मेरी ट्रिक मेरे को वापस से याद करनी पड़ेगी, उस ट्रिक का नाम है चिप मॉन्क्स कैफे, चिप मॉन्क्स कैफे, ये मेरी ट्रिक है, ठीक है बच्चों। ये रहे मेरे सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो कार्बन हाइड्रोजन फास्फोरस मैग्नीशियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फर कैल्शियम, ये है। तो यानी कि सिलीनियम नहीं है, आयरन नहीं है, ये सारे हैं, मैंगनीज नहीं है, कॉपर नहीं है। तो अगर मैं एलिमिनेट करूं तो मेरा आंसर 3 बनता हुआ परफेक्ट आंसर। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो विद इन 10 seconds यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन एंड सेव योर टाइम फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं तो जो इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय, तो अगर ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इस
इससे कौन प्रिवेंट करेगा? इससे प्रिवेंट करेगा पिंक कलर का, पिंक, ठीक है, पिंक कलर का एक पिगमेंट याद करे बचाएगा उसको। उस पिंक कलर के पिगमेंट का नाम क्या है? लेग हीमोग्लोबिन। क्या नाम है बच्चों उसका? लेग हीमोग्लोबिन नाम है उस पिगमेंट का। ये जो है पिगमेंट, ये एंश्योर करेगा एनरोबिक कंडीशन, एंश्योर एनरोबिक कंडीशन, ठीक है, ये एंश्योर करेगा एनरोबिक कंडीशन। एंड ये जो कंडीशन एनरोबिक कंडीशन मींस दिस एक्ट एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर। किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह ये काम करेगा। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर फर्स्ट विजिबल इन, आपको मैं बता दूं, नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों ही मोबाइल एलिमेंट्स हैं। दोनों ही कैसे एलिमेंट्स हैं? मोबाइल एलिमेंट्स हैं। यानी कि ये पुरानी लीफ से, बुढ़ी लीफ से चल के यंग लीफ के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम किसमें देखेंगे? बुढ़ी लीफ में। बुढ़ी लीफ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेनेसेंट लीफ। तो आंसर नंबर वन होएगा, क्योंकि सब ये दोनों मोबाइल एलिमेंट्स, और सिंस दे आर मोबाइल एलिमेंट, तो इसके सिम्टम किसमें देखेंगे? सेनेसेंस में देखेंगे, क्योंकि वहां से ये यंग लीफ में ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। नाउ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग्स ऑफ टोमेटो वर केप्ट इन अ डार्क रूम दैट इज विदाउट लाइट, विदाउट लाइट, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज दे वर फाउंड टू हैव बिकम व्हाइट कलर लाइक एल्बिनोस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब देम। अगर ग्रोथ हमें करनी है, फ्लावरिंग अगर हमें करनी है इन द डार्क रूम विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उस फिनोमिना को हम इटायुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस फिनोमिना को? इटायुलेशन कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर नंबर थ्री हो जाता है, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी, आई नो, रोने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, Which of the following element is a constituent of biotin? Biotin में आपको बता दूं, ये एक तरह का vitamin है, ये vitamin B8 है, ठीक है। Biotin जो बालों को healthy रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं या झड़ रहे हैं तो आप biotin ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा biotin लेने से भी constipation हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा constipation हो जाते हैं। तो अगर ले भी रहे तो सही सही ले, ऐसे नहीं कर ले, अटक जाएगा मामला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सल्फर। बायोटिन को बनाने के लिए जो चीज हमें चाहिए, दैट इज योर सल्फर। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज, इनमें से ऐसा कौन सी चीज है जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है अगर हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन की बात करें? तो उसका आंसर है अमोनिया। हम यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनाते हैं फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Which two distinct microbial processes are responsible for the release of fixed nitrogen as dinitrogen gas to the atmosphere? Which two distinct microbial processes are responsible for the release of fixed nitrogen as dinitrogen to the atmosphere? Denitrification की बात कर रहे हैं। इतनी भारी अंग्रेजी यूज करके किसकी बात कर रहे हैं? Denitrification के फॉर्म फिनोमिना की बात कर रहे हैं, ठीक है। एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन एंड नाइट्राइड रिडक्शन, डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये नहीं होगा, डाइनाइट्रोजन टू अमोनियम कंपाउंड, एंटेरिक फर्मेंटेशन, ये तो बहुत ही बेकार बात हो गई, एनरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड डीनिट्रिफिकेशन, ये आंसर फोर मुझे सही लगता हुआ, ठीक है। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स, मैंगनीज का हम तीसरी बार फिर से वही सेम फंक्शन पढ़ रहे हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स में इसकी बहुत जरूरी होती है, दैट इज फोटोलिसिस। क्या इसका फंक्शन? फोटोलिसिस, यानी कि पानी का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। रॉन्ग, एनाबिन एंड नॉस्ट्रोक आर कैपेबल ऑफ लिविंग of fixing nitrogen in free living state also, true, सही बात है, symbiotic भी काम करते हैं और free भी, ठीक है। Root nodule forming nitrogen fixers live as aerobes under free condition, बिल्कुल सही है। जब ये किसी के साथ symbiosis में जाते हैं तो anaerobic हो जाते हैं, वैसे ये aerobic रहते हैं। Phosphorus is a constituent of cell membrane, सही है। Nucleic acid सही है। All proteins, ये गलत है। Proteins में sulfur हमें, sorry, phosphorus नहीं मिलता है ना बच्चों। Nitrozomonas nitrobacteria chemoautotrophs, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर नंबर थ्री बनता हुआ, क्योंकि ऑल प्रोटीन्स लिख दिया है। तो बहुत ध्यान से आपने हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है बच्चों। फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजिनेज रिक्वायर मोनी, एक तो इसे चाहिए मॉलिबिडनम और चाहिए हाई एनर्जी, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये 16 ATP यूज करता है रिडक्शन ऑफ
नाइट्रोजन टू अमोनिया में, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड, इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है दैट इज नॉन मोबाइल, जो रीमोबिलाइज नहीं होता है, जिसके डेफिशिएंसी सिम्टम पहले यंग लीव्स में दिखते हैं फिर सेनेसेंट लीव्स में दिखते हैं, वो है आंसर कैल्शियम। क्या है उसका आंसर? कैल्शियम। तो इसमें अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है प्लांट को, तो उसके सिम्टम्स जो हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं, वो पहले किस में अपीयर करेंगे? यंग लीव्स में अपीयर करेंगे रादर देन ओल्ड लीव्स, ठीक है। ये बात हमको याद रखनी है, नीट में पूछा जाता है। Now, which one of the following is not an essential mineral element for plants while the remaining three are? ठीक है, not an essential mineral. Iron essential है, magnesium essential है, cadmium essential नहीं है, phosphorus essential है। तो ये micro और macro ना पूछ के essential, non-essential पूछ रहा है। तो question को ध्यान से पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे answer number 3, यहाँ हो गया इसका answer number 2, full marks. Next. निट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो निट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडाइज कर रहे अमोनिया को नाइट्रेट्स में, बिल्कुल सही बात है। कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नहीं, ये नाइट्रोजन से शुरू नहीं करते, अमोनिया से शुरू करते हैं। कन्वर्ट प्रोटीन इंटू अमोनिया, गलत, ठीक है, ये तो अमोनिफिकेशन है, दिस इज योर अमोनिफिकेशन। Then reduce nitrates to free nitrogen. ये आपका denitrification है। इस phenomena का नाम है denitrification. तो इसलिए right answer आपका क्या बच्चा? ये वाला आपका right answer है। ये वाला हमारा biological nitrogen fixation में आएगा। ठीक है? अब आते हैं next question पे। An element playing important role in nitrogen fixation is, कौन सा element है जो nitrogen fixation में बहुत important role play कर रहा है? फिर से वही trick बता रही हूँ, मोनी, nitrogenase enzyme चाहिए, और nitrogenase enzyme को activate करने के लिए cofactor चाहिए, जिसका नाम है molybdenum। क्या नाम है उसका? Molybdenum, ठीक है। Next, leguminous plants are able to fix atmospheric nitrogen through the process of symbiotic nitrogen fixation, बिल्कुल सही बात है। Which one of the following statement is not correct during the process? Not correct, incorrect statement बता दी है। Leg hemoglobin scavenges oxygen and its pinkish in color, सही बात। Nodule act as site for nitrogen fixation, सही बात। The enzyme nitrogenase catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia, सही बात। यही तो अभी लिखा हमने। Nitrogen is sensitive to oxygen, false बात, answer number 4, it is sensitive to oxygen, तभी तो leg hemoglobin की हमें जरूरत है बच्चों। Question number 31, one of the free living anaerobic nitrogen fixation, कौन करता है? बेटा इसका सिंपल सा ट्रिक है, ऐसी टीम जो कभी नहीं जीतती है, RCB, Rhodospirillium, C, Clostridium, बी बैसिलस, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये एनरोबिक है, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ये आ गया, ये रहा, दैट इज रोडोस्पिरिलियम। मैंगनीज इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कितनी बार है, चार बार तो पूछ चुके हो, क्या पागल कर दोगे क्या पूछ पूछ के एक ही सवाल, है ना बच्चों? काश ऐसे ही नीट का पेपर आ जाए यार, है ना। अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम, एक जो प्लांट है रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए जरूरत हो सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर बनता हुआ। सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन ऑयल सीड क्रॉप्स, जो भी ऑयल सीड क्रॉप्स है उनमें हमें सल्फर की हाई अमाउंट में जरूरत पड़ती है, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, इसमें से कौन सा जरूरी नहीं है, नॉट एन असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछ रहा है, essential micronutrient, क्योंकि कैल्शियम तो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, तो इसलिए आंसर हमारा कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अ फ्लावरिंग प्लांट विद नोड्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, कैसरीना, क्या आंसर इसका? कैसरीना इक्विसेटिफुलाई, ठीक है। Now, farmers in a particular region were concerned that premature yellowing of leaves of a pulse crop might cause decrease in the yield. Which treatment could be most beneficial to obtain maximum seed yield? क्या करें? Application of iron magnesium to promote synthesis of chlorophyll, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
फ्रीक्वेंट इरिगेशन ऑफ द क्रॉप नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट विद साइटोकाइनिन ना, अगर हम येलोइंग हो रहा है यानी क्लोरोफिल कम है, अगर क्लोरोफिल का अमाउंट बढ़ाना है तो आयरन और मैग्नीशियम देने की जरूरत है जिससे क्लोरोफिल बने और फिर ज्यादा से ज्यादा हमारी ग्रीन हो जाए लीव्स, ठीक है। तो आंसर नंबर वन, इफ बाय रेडिएशन ऑल नाइट्रोजनस एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड, देयर विल बी नो, क्या होगा अगर नाइट्रोजनस एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, एक सेकंड बच्चों, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, ओके, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइड इन लेग्यूम, कन्वर्जन फ्रॉम अमोनियम टू नाइट्रेट। एक तो ये फोन आते हैं ना, सच बता रही हूँ, इतना डिस्टर्बेंस है फोन रखना, ना आप रिकॉर्डिंग कर सकते, ना आप लाइव क्लास, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, बस इनके काम करते रहो, इनका फोन उठाते रहो बस, और कुछ नहीं करना आपने, यस। हाँ, तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, ये वाला इसका आंसर होएगा बच्चों। क्यों इसका आंसर है? क्योंकि अगर हमने सारा नाइट्रोजन इनएक्टिवेट कर दिया तो वो फिक्स ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। Now, the deficiency of micronutrients, the deficiency of micronutrient not only affect growth of plant, but also vital functions such as photosynthetic mitochondrial electron flow. Among the list given below, which group of three elements shall affect most both photosynthetic mitochondrial electron transport? ये हमें बताना है। देखो बेटा, mitochondrial electron transport के लिए आपको चाहिए copper, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि साइटोक्रोम बनता है इससे, तो इसलिए मेरा आंसर डायरेक्ट ही आ गया, कॉपर और आयरन के बिना मैं काम नहीं कर सकती, ठीक है। ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट्स आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, क्या चीज की कमी हो जाती है, हमें ग्रे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, उसका आंसर क्या है हमारा, यस, कौन बताएगा उसका आंसर, मैंगनीज, क्या आंसर है उसका, मैंगनीज, ठीक है। नेक्स्ट, बोरोन इन ग्रीन प्लांट असिस्टेंट शुगर ट्रांसपोर्ट और पॉलन जर्मिनेशन, दो काम करता है, इसलिए आंसर नंबर फोर बन गया। मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं इतनी देर से, तो ये हो गया आंसर नंबर वन, यहाँ हो गया आंसर नंबर फोर। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज। अरे ये भी रह गया, रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन्स, रूट ऑफ विच प्लांट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट विच हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ओके, विच प्लांट, रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट, लेग्यूमिनस है ना, लेग्यूमिनस, तो बच्चों रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन अ रेड पिगमेंट विच हैव हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, आंसर इसका सोयाबीन। What is true for cyanobacteria? Cyanobacteria वो थे जिन्होंने सबसे पहले धरती पर ऑक्सीजन को निकालना शुरू किया था, एंड दे हैव ऑक्सीजेनिक एक्टिविटी विद नाइट्रोजनेस, ठीक है। Now moving on to the next, which aquatic fern performs nitrogen fixation? बड़ा ही famous PYQ question, answer क्या है बच्चों, Azolla, ठीक है। Now enzyme first used for nitrogen fixation, MONI, यानी कि molybdenum और nitrogenase enzyme की जरूरत है हमें। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स ऑन, जो डिफ्यूजन है मिनरल्स का दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि मेटाबॉलिक इनहिबिटर तो एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो जिंक है हम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स में, जिंक 2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं एज रिटन इन एनसीईआरटी, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आंसर क्या है, एजिटोबैक्टर, फ्री लिविंग है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, एरोबिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, एरोबिक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरियम यानी फ्री लिविंग, तो आंसर भी तो एजिटोबैक्टर ही होगा। लैंग्वेज चेंज करने से आंसर चेंज हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है बच्चों। तो ये थे हमारे पीवाईक्यूज ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन बच्चों। जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस टाइम पे हमारे आइकॉनिक और प्लस बैचेस पे 36% ऑफ आया हुआ है, आप चाहे तो इनको ले सकते हैं, जी स्क्वायर कोड यूज कर सकते हैं, 36% ऑफ आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जिससे आपको पर्सनल मेंटरशिप ऑन व्हाट्सएप मिल सके, ठीक है। इसी के साथ अब नेक्स्ट असोसिएशन रीजन सेशन कल सुबह 8 बजे आएगा इसी चैनल अनअकैडमी नीट टॉपर पे, वो जरूर जरूर देखें, और नीट की नीव चैनल पे मैं डिटेल लेक्चर ले रही हूँ शाम के 6 बजे, वो भी जरूर ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन, थैंक यू सो मच, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर साइनिंग ऑफ।